तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें चाहिए होगा एक स्टीयर, उसे तुम्हें कुछ इस तरीके से लगा देना है, और फिर तुम लोग को लेना होगा एक वाटर बकेट, और इस वाटर बकेट को स्टेयर के ऊपर प्लेस कर देना। देख लेना ये इस तरह से हो जाएगी। अगर तुमने इतना काम कर लिया है तो फिर तुम्हें चाहिए होगा एक ऑब्जर्वर। सॉरी, मैंने ये लैम्प ले लिया, ये देखो ऑब्जर्वर नहीं, ये एक डिस्पेंसर, तुम लोग इसका नाम भी देख सकते हो, ये एक डिस्पेंसर है। अब तुम्हें इसे, मैं बताता हूँ कैसे प्लेस करना है, तुम्हें इसे इस तरह से नहीं प्लेस करना है, इस फेस करके नहीं, तुम्हें इसे कुछ इस तरीके से प्लेस करना है, ये देखो इस तरफ से। अब तुम्हें यहाँ पे आना है और लेने होंगे तुम्हें एक पिस्टन, ये देखो पिस्टन तुम्हें दो चाहिए होंगे, तुम्हें यहाँ पे इसके ऊपर एक लगा देना है कुछ इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर एक और इस तरीके से लगा देना है। इतना काम होने के बाद तुम लोग को चाहिए होगा एक बिल्डिंग ब्लॉक, तुम कोई सा भी बिल्डिंग ब्लॉक ले सकते हो, मैंने यहाँ पे स्मूथ स्टोन लिया है। तुम्हें एक चाहिए होगी कि ये लाइट, रेड स्टोन लाइट। अब चलो तुम्हें यहाँ पे ऐसे लगा देना है इस ब्लॉक, और इसके ऊपर लगा देनी है रेड स्टोन, ये देखो इस तरह से ये फ्लिक हो जाएगा, मतलब आगे की ओर पुश हो जाएगा, और फिर तुम्हें यहाँ पर इस चारों ब्लॉक को डिग कर लेना है कुछ इस तरीके से, और इस वाले ब्लॉक को भी डिग कर लेना है कुछ इस तरीके से। इतना काम होने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये मैंने स्मूथ स्टोन ले लिया, तुम्हें यहाँ पे लेनी होगी एक रेड स्टोन की डस्ट कुछ इस तरीके से, और तुम्हें रेड स्टोन की डस्ट यहाँ पे ठीक उस ब्लॉक के नीचे कुछ इस तरीके से लगा देनी है, और फिर तुम्हें फिर एक स्मूथ स्टोन लगाना है या कोई भी तुम्हारा ब्लॉक जो तुम यूज़ कर रहे हो बनाने के लिए, फिर उसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसे लगा देना है। अब यहाँ पे जो है हमें बनानी होगी क्लॉक जो पिस्टन को मूव करते रहे हर टाइम पर। अब यहाँ पे तुम्हें आना है, यहाँ पर तुम्हें लगानी होगी एक रेड स्टोन की डस्ट कुछ इस तरीके से, तुम देख रहे हो, और फिर रिपीटर लेना है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। ये सब ग्लो होंगी, देख लेना कुछ ये इस तरीके से रहेंगे, ऐसे ये जल क्यों नहीं रही है, कुछ हुआ है शायद से, रुको मैं इसे फिक्स कर देता हूँ एक मिनट। अच्छा यहाँ पे ये सर्किट थी, ये देखो ये कुछ ये ब्लिंक करने लगेगी, ये देखो पिस्टन आगे की ओर पुश हो रहा है। हमारा काम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, मतलब 65%। अब तुम लोग को इस ब्लॉक के ऊपर की रेड स्टोन की एक टॉर्च लगा देनी है कुछ इस तरीके से। अब मैं तुम लोग का इसका पर्पस बताऊंगा आगे, उससे पहले तुम लोग को चाहिए होगी एक कंपैरेटर, ये देख लो रेड स्टोन कंपैरेटर है, ये ऐसी होती है। अब देखो अब तुम्हें यहाँ पे चाहिए होगी एक हॉपर जो कनेक्ट हो जाएगी हमारे डिस्पेंसर से, और एक चेस्ट कुछ इस तरीके से, इसे यहाँ पे लगा देना है, और इसके ऊपर हमें एक चेस्ट लगा देनी है, ये देखो तुम्हें इसे क्राउच करके लगा देना जिससे यह कनेक्ट हो जाए। अब तुम्हें क्या करनी है कि तुम्हें चाहिए होगा एक सैंड का ब्लॉक, तुम ग्रास के भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे सैंड का यूज़ कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पे देखना है अगर वाटर आ रही है तभी इसे लगाना है, ये देखो हो गया है। अब हमें चाहिए होगी एक शुगर केन, हाँ शुगर केन का फार्म है तो हमें शुगर केन तो चाहिए ही होगी। अब तुम्हें आगे आ जानी है, अब तुम्हें चाहिए होगी ग्लास पेन और ए और एक ग्लास का ब्लॉक। अब देखो हम लोग यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम लोग इसे विजिबल रखेंगे, और उससे पहले हम लोग अभी अपना कलेक्टिंग एरिया बना लेते हैं। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे तुम लोग गलती क्या करते हो हॉपर के साथ, ये देखो मैंने हॉपर लगा दी, और ये देखो अब मैं यहाँ पे चेस्ट लगाऊंगा, ये देखो अब यहाँ पे ये होगा कि ये हॉपर कनेक्ट नहीं होगा, देखो सामान नहीं जा रहा है। तो मैं बताता हूँ तुम लोग को कैसे क्या करना है, तुम लोग को सबसे पहले यहाँ पे चेस्ट लगानी है, फिर इसके ऊपर हॉपर लगाना है जिससे कनेक्ट हो जाएगा, और फिर तुम यहाँ पे रेडस्टोन रिपीटर कोई भी ब्लॉक डाल के देखोगे तो वो चला जाएगा, जिसे तुम चेक कर सकते हो कि हॉपर कनेक्ट हुआ है या नहीं। एक थोड़ी सी टिप थी मेरी तरफ से। अब ये, अरे मैंने इसे बंद क्यों कर दिया, इसे स्टेयर केस बना देना है ऐसे जिसे तुम अच्छे तरीके से जा सको, और फिर यहाँ पे ग्लास के ब्लॉक को लगाना शुरू करते हैं। इतना काम होने के बाद तुम लोग को क्या करना है कि अगर तुम लोग इस वाले एरिया को चाहते हो कि तुम लोग इसे भर दो, मतलब फिल कर दो, तुम फिल कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी। और फिर तुम्हें यहाँ पे ग्लास पेन लेनी है और फिर इसे लगाते जाना है, ये देखो कुछ इस तरीके से तुम लोग को ग्लास पेन लगा देनी है।
हो गई, यहाँ पे हमारा काम तो हो गया बहुत सारा। देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ऐसे। यहाँ पे मैंने ग्लास ब्लॉक क्यों लगाया, तुम यहाँ पे लगा भी सकते हो, यहाँ से चेस्ट ओपन हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ तुम लोग को यहाँ पे क्या करना है। तुम्हें यहाँ पे अभी चाहिए होगी स्लैब, तुम कोई भी स्लैब यूज़ कर सकते हो, मैं स्मूथ स्टोन स्लैब यूज़ कर रहा हूँ। अब तुम लोग को इसे पूरी तरह से इसे कवर कर देना है कुछ इस तरीके से। ये देखो मैंने इसे कवर कर दिया, ये देखो मैंने कर दिया इसे कवर। अब यहाँ पे हमें बस कुछ एक काम करना है। सबसे पहले हमें लेनी होगी बोन मील, ये देखो बोन मील मैंने डाल दी। अब इस रेड स्टोन वाली ये जो है, एक मिनट रुको, ये वाली रेड स्टोन की टॉर्च है उसे तोड़ देना है। देखो अब ये क्लॉक काम करना शुरू कर दिया, ये देखो वो रेड स्टोन टॉर्च वहाँ पे एक स्विच का काम कर रही थी जो उस सर्किट को ब्रेक कर रही थी। ये देखो इतना इतनी जल्दी इतने सारे शुगर केन आ गए। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट फार्म है, लेकिन इसमें बस एक ही दिक्कत है कि तुम्हें बोन मिल चाहिए होता है। अब बोन मिल के भी बहुत सारे फार्म्स हैं, वो भी अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो बता देना। गाइस तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोग को ये फार्म कैसा लगा। ये फार्म काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, और ये अगर कोई भी प्लेयर अर्ली बेस के लिए बनाता है ये काफ़ी ज़्यादा इजली भी बन जाता है। उसमें ज़्यादा हमें सामान की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग इसमें बोन मिल कैसे डालो तो मैं उसका भी एक फार्म बना दूंगा। तुम लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका भी एक फार्म का ट्यूटोरियल दे दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और नई एक अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।